कहने का तात्पर्य है कि आपकी श्रद्धा पार्वती की तरह अटल हो, आपका विश्वास भगवान शंकर की तरह त्रिनेत्र वाला। मैं अनेक बार निवेदन करता हूं कि हमारी श्रद्धा डावाडोल होने वाली नहीं होनी चाहिए। मैंने कई बार इस बात को कहा है, श्रद्धा डगमगा जाए तो वो श्रद्धा नहीं। श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता, जैसे पर्वतों को कोई तूफान नहीं ला सकता, ऐसी श्रद्धा को कोई परिस्थिति नहीं डिगा सकती। श्रद्धा डिग गई अर्थात कुछ गड़बड़ हम में ही था। पार्वती की तरह श्रद्धा होनी चाहिए। आगे कथानक जब आएगा, भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुनाएंगे, पार्वती जी भगवान शंकर से पूछेंगी कि भगवान के अवतार क्यों होते हैं, भगवान शंकर पार्वती जी को अवतार का कारण बताएंगे, किन किन कारणों से कब कब भगवान ने अवतार लिया। ऐसा बताते बताते भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, ध्यान देना, पार्वती जी के गुरु कौन है? नारद जी। नारद जी के प्रति गुरु निष्ठा है, अद्भुत गुरु निष्ठा है।